श्री गणेश आए नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम का पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। आज की तारीख 24 सितंबर 2023, आज का वार रविवार। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, गुजराती संवत 2079 और कली संवत 5125 चल रहा है। आज भाद्रपद माह का 24वां दिवस है और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 10:23 सुबह तक रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 6:10 सुबह, सूर्यास्त का समय रहेगा 6:16 शाम को। आज चंद्रोदय का समय है 2:50 दोपहर को और चंद्रास्त 1:10 अगले दिन सुबह पर होगा। आज चंद्रमा धनु राशि में 7:18 शाम तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे। आज सूर्य कन्या राशि में विराजमान है और आज का सूर्य नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। आज चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 1:42 दोपहर तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। आज का पहला कर्ण कोलव 10:23 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण तैतिल 9:13 शाम तक रहने वाला है। आज का योग शोभन 6:40 शाम तक रहेगा। इसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशा शूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा की ओर दिशा शूल है, किसी खास कार्य के लिए, किसी खास प्रयोजन के लिए। आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा न करें या बहुत ही आवश्यक होने पर पान, घी अथवा दलिया, इन वस्तुओं का सेवन करें, तब अपनी यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सफलता होगी। आइए जानते हैं शोभन योग के बारे में। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए इस योग को बहुत ही बढ़िया माना गया है। इस योग में शुरू करी गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। जिस कामना के लिए यात्रा की जाती है वह कामना भी पूरी होती है और आनंद की अनुभूति भी। इसलिए इस योग को बड़ा सजीला और रमणीय योग कहते हैं। आज का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:37 दोपहर तक रहने वाला है। आज का विजय मुहूर्त 2:14 दोपहर से 3:02 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:35 सुबह से 5:23 सुबह तक रहेगा। आज के अन्य योगों में से रवि योग पूरे दिन तक रहेगा। अमृत कालम योग 9:08 सुबह से 10:40 सुबह तक होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग का समय 1:42 दोपहर से 6:11 अगले दिन सुबह तक रहेगा। आज का अशुभ समय आज का राहु काल 4:45 से 6:16 शाम तक रहने वाला है। यमगण काल का समय 12:13 दोपहर से 1:44 तक रहेगा। मित्रों, राहु काल और यमगण काल दोनों ही अशुभ समय है, इसलिए इन समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य और नए कार्य प्रारंभ नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज चर समय 7:41 सुबह से 9:12 तक रहेगा। लाभ समय 9:12 सुबह से 10:42 तक रहने वाला है। अमृत समय 10:42 से 12:13 दोपहर तक रहेगा। शुभ समय की बात करें तो 1:44 दोपहर से 3:14 दोपहर तक शुभ समय रहेगा। आज रात्रि के चौघड़िया में शुभ समय 6:16 शाम से 7:45 तक होगा। अमृत समय 7:45 शाम से 9:15 तक रहने वाला है।
चर समय अर्थात सामान्य समय 9:15 शाम से 10:44 रात्रि तक रहेगा। लाभ समय 1:43 अगले दिन सुबह से 3:12 तक रहने वाला है और शुभ समय 4:41 अगले दिन सुबह से 6:11 तक रहेगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का पंचांग और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में लिखें जय माता दी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।